हेलो एवरीवन, आज मैं बताने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। हाउ टू राइट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम। मैं बता देना चाहता हूँ पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, आपको पाइथन इंटरप्रेटर सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। ओके, और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल तरीका है, हम पाइथन के आइडियल या स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे प्रोग्राम को लिखेंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिसमें हम लोग गूगल कोलैब यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन आइडियली में हम लोग पाइथन प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। सबसे पहले हम लोग को पाइथन का आईडी स्टार्ट करना होगा। ओके, अब देख रहे हैं आइडियली पाइथन आप इंस्टॉल कीजिएगा। और बिल्कुल सिंपल तरीका है पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक तो पाइथन प्रॉम्प्ट है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंट। मैं आगे बताऊंगा, अगर किसी भी तरह का मैसेज को प्रिंट कराना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू पाइथन। ओके, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, तो इस पे जनरली हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हैं वेलकम टू पाइथन। हम प्रोग्राम को लिखेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे नया फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा है वेलकम टू पाइथन। ओके, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के बाद, ठीक है, ये सिंगल लाइन एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वेलकम टू पाइथन, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेंगे। आप किसी भी लोकेशन में आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर के अंदर, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है वेलकम, ठीक है, वेलकम डॉट पी वाई। ये पाइथन फाइल है, हम डॉट पी वाई भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ओके, सेव हो चुका। अब एग्जीक्यूट कराने का तरीका है, आप यहाँ पे रन, ठीक है, रन मॉड्यूल, प्रोग्राम हमारा यहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप देख रहे हैं वेलकम टू पाइथन, ठीक है, आप ओके। और फिर अगर कुछ प्रोग्रामिंग में, ये हमारा सेल प्रॉम्प्ट है, फिर अगर प्रोग्राम में यहाँ कुछ चेंजिंग करना है, जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर ए इक्वल टू 10, मैं आगे बताऊंगा वेरिएबल कैसे हम लोग यूज करते हैं, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सम इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एडिशन, एडिशन इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। अब मैसेज के बाद वेरिएबल्स नेम यूज करना है, सम, अब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सेव कर लेंगे। ओके, अब फिर से हम इसको रन कराते हैं, रन, ठीक है, रन मॉड्यूल, आपका देखिए आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, वेलकम टू पाइथन एडिशन इक्वल टू 30। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। आपने डायरेक्ट पाइथन आईडीएली में आपने एग्जीक्यूट कराया। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, मैं मोबाइल में ही ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मोबाइल में पाइथन प्रोग्राम को आप कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी ऑनलाइन ऑनलाइन आप प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल कोलैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गूगल कोलैब में हम लोग यहाँ पे आते हैं, ब्राउजर स्टार्ट करना होगा। ब्राउजर में हम लोग टाइप करेंगे सिंपल गूगल कोलैब,
और ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखना है गूगल कोलैब। जैसे ही टाइप करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक, ठीक है, आप मोबाइल में भी ब्राउजर ओपन करोगे, गूगल कोलैब ओपन करोगे, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट लिंक जो आपका खुला है इस पे मैंने क्लिक किया, तो उस बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नोटबुक, न्यू नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो साइन इन करने के लिए खोजेगा, आप साइन इन कर लेना अपने ईमेल आईडी से, न्यू नोटबुक। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल ये यहीं पे आपको सोर्स कोड लिखना है, फेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। प्रिंट, मैंने यहाँ पर मैसेज दिया वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू पाइथन, ओके। और एग्जीक्यूट करने की तरीका यहाँ पर ये है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। जस्ट यहीं पे नीचे में आउटपुट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया वेलकम टू पाइथन। फिर न्यू कोडिंग लिखना चाहते हैं तो फिर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो न्यू बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जैसे वेरिएबल ए इक्वल टू 20, एक मैंने वेरिएबल लिया, बी इक्वल टू 30, ओके, सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको प्रिंट करा दिए, प्रिंट, और ये प्रोग्राम हमेशा परमानेंटली सेव रहेगा, ठीक है। आप जिस मेल से लॉग इन किए हैं, एडिशन इक्वल टू कॉमा सम, ओके। अब आप इस प्रोग्राम को फिर यहीं से एग्जीक्यूट कराओगे, आउटपुट आपके सामने है, देखिए एडिशन इक्वल टू 50। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, अनटाइटल जो है, फाइल में जाओगे, ठीक है, जो भी सेव करना है, न्यू नोटबुक खोलना है तो न्यू नोटबुक ओपन कर सकते हैं, सेव करना है इस नोटबुक को तो आप सेव कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इस नाम से सेव हो चुका है, आप सेव एज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपने मैंने आपको बता दिया कि पाइथन प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। अगर आपके पास लैपटॉप सिस्टम नहीं है तो मोबाइल में सिंपल ब्राउजर स्टार्ट करना है, ठीक है, और वहां पे टाइप करना है गूगल कोलैब, और ठीक है, और उसमें स्टार्ट करेंगे, सिंपल ये तरीका है, आप प्रोग्राम लिखेंगे एग्जीक्यूट कराएंगे। और अगर आपके पास सिस्टम है तो पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आईडीएलई में मैंने जिस तरह से प्रोग्राम लिखा, जिस तरह से मैंने एग्जीक्यूट कराया, वही तरीका है, ठीक है, थैंक यू।